और कोरबा जिले की पुलिस ने उन दो शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने बुधवार स्थित एटीएम से एटीएम कार्ड बदलकर बालकों के एक रिटायर्ड कर्मी से 2 लाख रुपए की ठगी की थी। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक को कछघोरा जबकि दूसरे को बांगो के गुरगसिया से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं जिन्होंने दिल्ली में इसी तरह से दर्जनों ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। अंबिकापुर में घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने कोरबा में अपनी मंसूबों को अंजाम दिया। एटीएम कार्ड बदलकर 2 लाख रुपयों की ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम शाहिद खान और विक्रम गोदारा हैं। दोनों हरियाणा के निवासी हैं और अंतर्राज्यीय ठग गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा से दोनों आरोपी ठगी की घटना को अंजाम देने कोरबा आए हुए थे और बुधवार स्थित एटीएम में बालकों के रिटायर्ड कर्मी को एटीएम बदलकर 2 लाख रुपयों का चूना लगाया था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाग रहे थे जिनमें से एक आरोपी को कटघोरा पुलिस ने पकड़ा जबकि दूसरे को बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम गुरसिया में पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों से दिल्ली के साथ ही उसके आसपास के इलाकों और अंबिकापुर में लाखों की ठगी होने की बात सामने आई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 47 नग एटीएम कार्ड सहित ठगे हुए 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। ग्यारह 9/2023 को प्रार्थी आशीष कांत के द्वारा हमें कंप्लेन मिली कि उसके साथ 2 लाख रुपए का टीपी नगर आईसीआईसीआई बैंक में ठगी हुआ है, तो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमने तत्परता के साथ जो दो आरोपी हमें सीसीटीवी कैमरे में दिखे थे और बैंक की डिटेल्स उनका जो फ़ोन नंबर वगैरह मिला उससे उनको ट्रैक करते हुए हमने उसको दो जो हमारे आरोपी हैं शाहिद खान ये पलवल हरियाणा से और विक्रम गुदारा ये झज्जर हरियाणा से, इन दोनों को हमने कटघोरा में लाइव एटीएम में जा करके जब दूसरों से ठगी कर रहे थे उसी समय इनको हमने घर पहुँचा और ये मामला हमने सीएसबी चौकी में 412/23 धारा 420 और 120 बा के तहत अपराध पंजीबद्ध करके 11/9/2023